विंटर सीजन आते ही ना स्किन पे हर तरह के प्रॉब्लम आते हैं, ड्राइनेस, रूखापन, और बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई हो जाती है और स्किन में चिड़चिड़ाहट होता है, फटे हो जाते हैं। और हम इसी सीजन में कैसे ग्लोइंग त्वचा पाया जा सकता है, वही चीज़ आपके साथ आज शेयर करूँगी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं रात को सोते साथ टाइम ना एक क्रीम यूज़ करके सोती हूँ, नेचुरल तरीके से ये बहुत ही अच्छा काम करता है और स्किन जो ड्राइनेस होता है ना वो बहुत ज़्यादा कम करता है। मॉर्निंग में उठते ही ना आपने स्किन पूरा हेल्दी दिखेगा। ये देखिए, मैंने कॉटन में पहले अपने चेहरे को साफ करते हैं क्योंकि रोज़ वाटर बहुत ही अच्छा क्लींजर का काम करता है। नहीं तो आप दूध से भी अपना फेस साफ कर सकते हैं। रोज़ वाटर जो हम नॉर्मली फेस, जैसे आप एक नॉर्मल आप फेस वॉश करते हैं ना, अपने कोई सा प्यारा सा भी फेस वॉश कर लीजिएगा, उसके बाद थोड़ी सी धूल मिट्टी तो स्किन पे रहेगी, इसलिए मैंने रोज़ वाटर उसको अच्छी तरीके से साफ करती हूँ ताकि जो धूल मिट्टी उसको निकाल के बाहर फेंके। और जैसे आप जो भी प्रोडक्ट रात को यूज करते हो ना, हमेशा नीट एंड क्लीन, हाथ भी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए क्योंकि आप हाथ से ही आप अपने फेस पे लगाते हो ना, इसीलिए अगर बिना हाथ धोए अगर फेस पे लगाते हो ना तो पिंपल हो जाता है और आकने की समस्या भी होता है। और उसके बाद देखिए, मैं थोड़ी सी क्वांटिटी ली हूँ क्योंकि ये है विटामिन ई कैप्सूल। आपको पता है विटामिन ई कैप्सूल बहुत ही अच्छा काम करता है और ये एक्सप्रेशन का भी काम करता है। विटामिन ई की कैप्सूल, इसमें एंटीऑक्सीडेंट के गुण बहुत मात्रा में, ये त्वचा को मॉइस्चराइजर करता है। और साथ मैंने एक एक ड्रॉप मैंने एलोवेरा जेल लिया है। एलोवेरा जेल भी ये त्वचा को, ये एंटीऑक्सीडेंट के गुण भी होता है एलोवेरा जेल में, और ये स्किन को ना एक्सफोलिएशन का भी काम करता है, चेहरा साफ करता है। जो हमारे स्किन पे जो मृत कोशिका होता है ना वो ज़्यादा अच्छी तरीके से साफ करता है, जिसमें ठंड के मौसम में ना अकनी, पिंपल, पिगमेंटेशन, फाइन लाइंस की आदि से छुटकारा मिलता है। मैंने वन ड्रॉप एलोवेरा जेल लिया है और एक दो ड्रॉप मैंने स्वीट बादाम आलमंड ऑयल लिया है और एक विटामिन कैप्सूल के एक ड्रॉप, क्योंकि रात को सोने से पहले स्किन को एक्सफोलिएशन का काम करेगा ना, इसलिए मैंने बहुत कम क्वांटिटी का बस हाथ में लगा के अपने फेस पे यूज़ करना है। आप चाहे अगर आप स्टोर करके भी रख सकते हो, पर मैं आपको दिखाने के लिए बस थोड़ा सा लिया है अपने फेस पे। ये स्किन को ड्राइनेस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से दूर करता है। एलोवेरा बेस्ट माना जाता है अपने स्किन के अकॉर्डिंग, जो भी प्रॉब्लम्स होता है ना उसमें छुटकारा दिलाता है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये आराम से आप रात को सोने से पहले इसको आप अच्छी तरीके से अपने फेस पे अच्छी तरीके से अपने मसाज करिएगा। ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही, ये बहुत ही अच्छा रेमेडी है। मैं हमेशा रात को सोने से पहले इसी रेमेडी का यूज करती हूँ और मॉर्निंग में बहुत ही हेल्दी रहता है अपना स्किन। और होता है ना छोटे छोटे जो पिंपल्स वगैरह, वो भी बहुत ही कम हो गया है मेरा, और ड्राइनेस की तो बहुत ही कम होता है इसको लगाने से। स्किन मॉइस्चराइजर करता है, स्किन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, बहुत ही अच्छा हेल्दी स्किन बनता है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा क्योंकि विंटर सीजन में ना बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई हो जाता है, तो ये रेमेडी आप बेस्ट है। रात को सोने से पहले ये रेमेडी आप यूज करिएगा, आपको हेल्दी स्किन मॉर्निंग में उठते ही आपको नज़र आ जाएगा। आई होप मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ करिए क्योंकि ये स्किन पे बहुत ज़्यादा ऑब्जॉर्ब हो जाता है। ये ऑयल नॉन स्टिकी टाइप का है, ये ऑयल तो अब बहुत थिकी और नॉन स्टिकी है, इसीलिए अपने फेस पे बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर लेती है। आई होप आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ न्यू वीडियो पे न्यू रेमेडी के साथ। और ये जो फेस आप लगा के सो जाओ पूरी ओवरनाइट। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टाटा।